हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम राग अध्याय की कड़ी में अगला अध्याय राग मालकोंस के विषय में जानेंगे कि राग मालकोंस का परिचय क्या है और कैसे कैसे है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, आपको सबसे पहले राग का परिचय लिखने से पहले उसके 8 पॉइंट होते हैं टोटल, उन 8 पॉइंट्स को लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया राग का नाम, दूसरा है थाट, तीसरा है वादी, फिर संवादी, फिर बात करते हैं हम वर्जित स्वर के विषय में, फिर हम बात करेंगे जाति के विषय में, आइए बात करते हैं विकृत स्वर, और लास्ट में लिखेंगे गायन समय। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को ऊपर नीचे लिख देते हैं, इनकी सीरीज चेंज कर देते हैं कुछ बच्चे, और ये करना गलत होता है क्योंकि जब आप परिचय लिखते हैं तो परिचय के अकॉर्डिंग ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती है। जैसे सबसे पहले आप राग बताएंगे तो राग का थाट बताएंगे, फिर वादी संवादी जो दोनों पॉइंट है वो दोनों एक साथ के होते हैं, उसके बाद आप वर्जित बताएंगे तो ही आप जाति बता पाएंगे, फिर आपको कॉमन स्वर बताने होते हैं, और अंत में जाके कहीं गायन समय का जिक्र करना पड़ता है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सीरीज नहीं बिगाड़नी है, इनको इसी क्रम में बराबर लिखना है। और ध्यान रखें यहाँ पर इनके नंबर भी नहीं डालेंगे, आप नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राग मालकोंस के थाट की। तो राग मालकोंस का थाट है भैरवी, कौन सा थाट है भैरवी, और इसका वादी स्वर है मा, संवादी स्वर है सा। अब राग बागेश्वरी मैंने बताया था कि आरोह में रेपा वर्जित है, इस राग में परमानेंट ही रेपा वर्जित है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, इसके आरोह नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वर्जित स्वर में रे पा। बस ये दो वर्ड लिखने पर भी आपकी बात पूरी हो जाएगी। अगर आपने इसके अगल बगल आरोह अवरोह नहीं लिखा तो इसका सीधा सा मतलब है कि आरोह में भी और अवरोह में भी दोनों साइड रेपा वर्जित है। अब रेपा वर्जित हो गया तो हमारे पास 7 में से बचे 5, क्योंकि राग की परिभाषा कहती है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की सुंदर रचना राग होती है। अब 7, 6 और 5 तीन जातियां बनती हैं, 5 स्वरों वाली औड़व, 6 स्वरों वाली साढ़व और 7 स्वरों वाली संपूर्ण, 2 स्वर अटके दोनों साइड में, तो दोनों साइड की जाति बनेगी औड़व औड़व। तो इस प्रकार से राग मालकोंस की जाति हो गई औड़व औड़व, इसके विकृत स्वर। अब जिन बच्चों को भैरवी थाट के विषय में मालूम है, जिन्होंने आधुनिक काल का भैरवी थाट पढ़ रखा है या प्लस वन में थोड़ा ध्यान से थाटों को पढ़ा है, उनको मालूम है कि भैरवी में क्या क्या स्वर लगते हैं। भैरवी में रे ग ध नी कोमल होते हैं। अब चूंकि इस राग में रे स्वर है ही नहीं, तो हमारे कौन कौन से स्वर बच गए, ग ध और नी, इन तीनों स्वरों के आप निशान भी लगाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे इनका वर्ड भी, गाधानी कोमल, यानी इस राग में गाधानी कोमल जो विकृत स्वर हैं वो इस प्रकार यूज किए जाते हैं, इनके अलावा गाधानी जो शुद्ध हैं उनका प्रयोग नहीं है। इस राग का गायन समय, अब इसके गायन समय को लेकर बड़ी मतभेद है, कुछ लोग इसे मध्य रात्रि में लिखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग रात्रि का तीसरा प्रहर भी लिखते हैं, दोनों बात ठीक है, आप दोनों बातों को ऐड करके रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राग माल कौन सा गायन समय बताइए, आपको दोनों बात याद रखनी है। अगर मध्य रात्रि ऑप्शंस में आता है तो मध्य रात्रि को चूज करेंगे, अगर गायन समय तीसरा समय आता है, रात्रि का तीसरा प्रहर लिखा आता है तो आप रात्रि के तीसरे प्रहर को चूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपका एमसीक्यू में ये जो हेल्प मिलेगी वो बड़ी आसान होगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दोनों लिखे आ गए तो
तो फिर आप लिखेंगे रात्रि का तीसरा पहर, क्योंकि ज्यादातर कई जगह रात्रि का तीसरा पहर लिखा हुआ है, तो रात्रि का तीसरा पहर मान्य रहेगा। लेकिन आपको याद दोनों ही समय करने पड़ेंगे, दोनों समय आपको बताने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, रात्रि के तीसरे पहर में ही मध्य रात्रि होती है, ठीक है। जो समय सिद्धांत को अच्छे समझते हैं वो ये बात जानते हैं कि प्रथम पहर तो 4 बजे 7 बजे तक शुरू हो जाता है, 7 से 10 दूसरा होता है, और 10 से 1 बजे तक का जो गहन रात्रि का समय होता है वो मध्य रात्रि होता है, 10 से 1 बजे तक, उसको मध्य रात्रि बोला जाता है। अब मध्य रात्रि यानी तीसरा पहर सीधा साथ है, तो समझने वाले के लिए बहुत आसान है, जो नहीं समझता है उसके लिए ये दोनों वर्ड है, ठीक है। तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, एग्जामिनर कोई भी हो चेक करने वाला उसको आपको नंबर देने पड़ेंगे। फिर अब हम बात करते हैं राग परिचय की। आपको हमेशा यहां पर राग परिचय नाम लिखना पड़ेगा, और जो भी बातें आपने यहां लिखी है सबसे पहले तो आपको इन्हीं बातों को नीचे परिचय में ऐड करना पड़ेगा। जैसे राग मालपौंस भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ है, इस राग में वादी स्वर मध्यम तथा संवादी स्वर सरज को माना गया है। आप बकायदा इनके नाम लिखेंगे जो शास्त्रीय नाम है, यहाँ पर मा लिखा है, यहाँ पर सा लिखा है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा वादी स्वर मध्यम संवादी स्वर सरज। अगर आपको लिखने में दिक्कत है, आप वर्ड याद ना हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं मध्यम, और यहां पर है सड़ज। इस प्रकार से ये मध्यम और सड़ज आ गया। अब बात आती है वर्जित स्वर की। आपको लिखना पड़ेगा इस राग के आरोह तथा अवरोह दोनों तरफ रे और प। अब यहां पर आप इनका नाम लिखेंगे, ऋषभ और पंचम स्वर को वर्जित रखा गया है, तो इसलिए इस राग की जाति औड़ औड़ मानी गई है। अब आपको विकृत स्वर के बारे में बताना है। चूंकि इस राग का थाट भैरवी है तो इस राग में गा घानी कोमल प्रयोग किए जाते हैं। अब यहां पर एक मतभेद है। मतभेद क्या है कि गा घानी कोमल होने के कारण कुछ लोग इसको आसावरी थाट का राग मानते हैं, लेकिन पंडित भातखंडे जी के अनुसार इसका चलन आसावरी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इस राग को भैरवी थाट में रखना ही उचित है। क्योंकि यहां पर तो रे वर्जित है, तो यहां रे ना लगने से ये विडंबना पैदा हुई, ये बात सामने आई, ये मतभेद आया कि गाधानी कोमल तो आसावरी थाट में होता है लेकिन रे लग नहीं रहा, इसलिए यहां पर इसको बात को सिद्ध करना पड़ा। भातखंडे जी ने इस बात को इसलिए लिखा क्योंकि रे इसमें वर्जित था। आइए अब बात करते हैं गायन समय की। गायन समय की मैं पहले बता चुका हूं, आपको लिखना पड़ेगा इस राग का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे मध्य रात्रि भी लिखते हैं। आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। अब इतनी बातें लिखने के बाद कुछ बातें एक्स्ट्रा होती, जैसे मैंने अभी आपको इसे बताया कि भाई कोमल गाधारी जैसे लोग इसे आसावरी का थाट भी समझते हैं। और एक बात और है कि इस राग का नाम, जो इस राग का नाम है पंडित भातखंडे जी के अनुसार, मतलब पंडित भातखंडे जी जो हैं उनके अनुसार ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बस उनकी किताब में ये बात को पढ़ा है और उनकी किताब पूरे हिंदुस्तान में मान्य है, ठीक है। तो उनके अनुसार इस राग का जो नाम है मालव प्रांत, महाराष्ट्र साइड में है तो मालव प्रांत के नाम पर पड़ा है। और आपको बता दूं इस राग के कुछ नाम अलग अलग नाम भी हैं, जैसे मालव से निकला है और यहां पर इसका नाम रख दिया मालव कौशिक, इसका ये नाम भी है, एक इसका नाम मालकंस भी है, और कुछ लोग इसे मालकोश भी लिखते हैं। अब मालकोश और हमारा जो नाम लिखा था हमने वो था मालकोंस। इस प्रकार से इसके तीन नाम और हैं, लेकिन आपको लिखना मेन में ये है और ये आपको एक्स्ट्रा बातों में लिखना है। अब राग बागेश्वरी मैंने आपको बताया था कि
कि उसका कोमल गंधार अगर शुद्ध कर दे तो राग रागेश्वरी बन जाता है। इसी प्रकार इस राग में भी, राग मालकोंस में भी अगर कोमल निषाद को शुद्ध कर दिया जाए तो यह राग चंद्रकोंस बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये मालकोंस राग का परिचय पूरा होता है। तो मालकोंस राग के परिचय के बाद आपको लिखना पड़ेगा राग की विशेषता है। विशेषताओं में आपको विशेषताएं, मैं पहले बता चुका हूं कि राग की विशेषताओं में 4 से 5 विशेषताएं अगर आप लिख देंगे तो वो एनफ है, उससे आपकी बात पूरी हो जाती है कि 4 से 5 विशेषता आपको लिखनी पड़ेंगी। अब सबसे पहली विशेषता ज्यादातर रागों में जो होती है, यह है एक गंभीर प्रकृति का राग है। अब जब गंभीर प्रकृति का राग है तो आपको इसमें यह बात ऐड करनी पड़ेगी कि इस राग में, यह ध्यान रखना कि जितने भी गंभीर प्रकृति के राग है उनमें बड़ा ख्याल जरूर होगा, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठीक है। आप इसमें ध्रुपद भी लिख सकते हैं, धमार भी लिख सकते हैं, गीत भजन भी लिख सकते हैं, आदि गाए बजाए जाते हैं। तो ये जो पहली विशेषता है इसकी काफी बड़ी होगी कि ये राग गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, गीत भजन, गजल आदि गाए बजाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिए, जितने भी गंभीर प्रकृति के राग हैं उनमें ये सब गाए जा सकते हैं। बस आपको बागेश्वरी में नहीं लिखनी है बात, और आपको ये बात शुद्ध सारंग में नहीं लिखनी है, क्योंकि ये मधुर राग है और मधुर रागों में कभी भी ध्रुपद नहीं गाई जाती, क्योंकि ध्रुपद एक कठोर गायकी है, उसमें ऐसा नहीं होता है। आइए अब इसका संप्रकृति राग बताते हैं। इस राग का संप्राकृतिक राग, जो राग मैंने अभी आपको बताया था कि कोमल निषाद को शुद्ध कर देने से चंद्रकोंस राग की उत्पत्ति होती है, तो केवल वही एक राग ऐसा है जो इसका संप्रकृतिक राग है। तो राग चंद्रकोंस, इस राग का संप्रकृतिक राग कौन सा है? राग चंद्रकोंस है। मिलता जुलता राग है, जैसे मालकोंस है वैसे चंद्रकोंस है, बस उसमें शुद्ध निषाद का प्रयोग है। अब बात आती है न्यास के स्वरों की, तो आप लिख सकते हैं इस राग में सभी स्वरों पर न्यास किया जाता है। इस राग में सभी स्वरों पर, अब आप कहेंगे सर सभी स्वरों पर न्यास किया जाता है, यह बात क्यों लिखी? अब देखिए न्यास में कम से कम मैं 4 स्वर हमेशा बताता हूं, वादी समाधि के साथ 2 हेल्पिंग स्वर जरूर बताता हूं, तो 4 स्वर हो गए, अब बचा एक ही। अब एक स्वर को क्या रोकना, इसलिए इस राग में 500 स्वरों पर, जो इसमें लगने वाले 5 स्वर हैं, उन 500 स्वरों पर न्यास किया जाता है। विशेषता नंबर 4, अब इसमें लिखते हैं कुछ लोग कि यह है एक पुरुष राग है। अब देखिए पुरुष राग इसमें ही लिखा है हमने, होने को तो राग जब नाम आ गया तो सारे पुरुष राग ही हैं, क्योंकि रागों को पुरुष माना गया है, इनकी स्त्रियां हैं रागनियां, और उनका हम कोई अध्ययन नहीं करते क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस राग में लिख दिया गया है कि यह एक पुरुष राग है, लिखा है तो चलो हमने इसको बात को आगे बढ़ा दिया। अब इसमें यह बात लिखिए, इसमें वीर रस की
उत्पत्ति होती है। यहां पर मैंने एक वर्ड गलत लिख दिया है, आप इस बात को ध्यान रखना, इसमें नहीं इससे, इससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब वीर रस क्या, युद्ध के टाइम में जब सैनिकों में उत्साह भरने की आवश्यकता होती है तो इस राग की गाई हुई रचनाओं से सैनिकों में, वीर योद्धाओं में उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे राग उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसलिए इस राग को पुरुष राग माना गया है और इसमें वीर रस की उत्पत्ति मानी गई है। तो मैंने आपको बताया कि 4 से 5 अगर आप विशेषताएं लिख देंगे तो भी आपकी विशेषताएं मान्य होंगी। अब बढ़ाने को तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि इस राग में गमक मीण कर्ण का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, लिखी जा सकती है। लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में ऐसी बातों को आप विशेषताओं में लिखिए जिनसे राग का जो स्वरूप है वो क्लियर समझ में आए। मीण गमक कर्ण खटका ये तो सभी में प्रयोग किए जाते हैं, जब हम ख्याल ही गा रहे हैं, जब हम राग गा रहे हैं तो बिना कर्ण खटका मीण का राग गाया थोड़ी जाएगा, सीधा सीधा सरगम से थोड़ी राग गाया जाएगा। तो ऐसी बातों को ऐड करनी जरूरत नहीं। हाँ, अगर एक ही राग हमें लिखना हो, उसे काफी लेंथी लिखना हो, तब ऐसी बातों को ऐड करना पड़ता, अन्यथा नहीं। आइए अब बात करते हैं इसके अंतिम पार्ट की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब तक आप ये सभी पार्ट नहीं लिख देते हैं तब तक आपका राग का चैप्टर पूर्ण नहीं होता है। तो आपको लिखनी पड़ेगी हेडिंग, इस राग के आरोह अवरोह तथा पकड़ इस प्रकार है, और फिर आप उसमें एरो लगा दीजिए, और उसके बाद आपको ये 3 हेडिंग लिखनी पड़ेंगी। आप कह सकते हैं 3 मैजिकल वर्ड, ना ना जहां जा रहे वो नहीं, आपको इन वर्ड्स को लिखना है। ये 3 मैजिकल वर्ड हैं संगीत के, जिनके आधार पर राग की पूर्णतया पहचान होती है। परिचय पढ़ना बहुत आसान है, बिना इनके राग गाया ही नहीं जा सकता। इसलिए राग के 3 मैजिकल वर्ड्स आरोह अवरोह एंड पकड़। आइए आरोह लिखते हैं, स ग म ध नी स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सा से सा तक, मध्य सप्तक का सा और ताल सप्तक का सा, जब तक कि नहीं लिखा जाएगा तब तक आरोह पूरा नहीं होगा। अब देखिए इस राग में मैंने बताया को रेखा वर्जित, तो सा के बाद डायरेक्ट गा आया, रे हट गया, मां के बाद डायरेक्ट ढा आया तो पा हट गया। अब इस राग में ग ध्वनि कोमल बताया गया, तो हम गा धा और नी को कोमल कर देंगे, कर दिया। अब मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जिस राग में सा के बाद रे या ग में से कोई एक स्वर वर्जित होता है उस राग के आरोह की शुरुआत मंद्र सप्तक के निषाद से होती है। जो भी राग में प्रयोग हो रहा होगा, जो सा भी स्वर प्रयोग होगा, शुद्ध होगा तो शुद्ध से होगी, कोमल होगा तो कोमल से होगी शुरुआत। तो इस राग के आरोह की शुरुआत हुई नि स ग म ध नि स। फिर से देखिए नि स ग म ध नि स, ये इसका हो गया आरोह। अब देखिए अवरोह करें, अब बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लाते हैं एंड यहां पे करते हैं। कभी भी अवरोह का अंत नी रे किसी और स्वर पर नहीं होता, अवरोह का अंत हमेशा सा पर होगा और सा से शुरू होगा, सा नी ध म। अब थोड़ा सा यहां पर घुमा देते हैं, म ग सा आने के बजाय सा नी ध म ग म, मा पे फिर गए और फिर दोबारा गा पर आए ग सा। तो इस प्रकार से इसके आरोह वो बनते हैं। एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देता हूं, नि स ग म ध नि स, सा नि ध म ग म ग स। हमेशा याद रखना ये जो स्वर समुदाय है ये लिखे जाएंगे बिना मात्राओं के, नी और रे में केवल मात्रा होती है, इसके अलावा नि स ग म ध नि स, इस वाले पैटर्न में बिना मात्रा वाला जो उच्चारण होता है वो साउथ में बोला जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये वाला उच्चारण नहीं, हमारे यहां पर जो उच्चारण है वो आ की मात्रा लगाकर, कैसे है नि सा, यहां लिखा सा है और बोलेंगे क्या सा, यहां लिखा ग है बोलेंगे क्या ग, यहां मैं लिखा तो बोलेंगे क्या म ध ध।
अब नी पे तो छोटी की मात्रा और इसकी लगी तो नी बोलेंगे उसको, हाँ ये पकड़ लेते हैं, मा धारी धामा गामा गासा। अब देख गामा गासा तो यहीं से लिया है मैंने, तो गामा गासा आ गया मा गामा। अब इसका मा स्वर मत वो वादी है तो मा भी ज्यादा ठहरा होगा, तो यहां पर मा का ज्यादा प्रयोग हो रहा है बार बार, ठीक है। और सेकंड विश्रांति स्वर जो उस पर एंड हो रहा है, मा गामा धारी धामा गामा गासा। अब कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, ये बागेश्वरी की पकड़ से शुरुआत थी धामी सम, अब क्या करते हैं कि लिख देते हैं अभी तो है ये बागेश्वरी की पकड़, अगर यहां पर मैंने यहां निशान लगा दिया तो अब हो गई ये मालकोंस की पकड़, क्योंकि कोमल धा हो गया, हरमंदिर के दो स्वर हो गए धामी सम, और ये धैनी धामा बागेश्वरी में भी है, लेकिन वहां पर क्या है केवल कोमल नहीं है, वहां पर शुद्ध धा है, तो यहां पर मैंने दोनों धा कोमल कर दिए धनी सम धनी धमा, और फिर वही हमारा पीछे वाला स्वर गमा गसा। इस प्रकार से आप पकड़ को पहचान कर राग को आसानी से पहचान सकते हैं, और अगर आपको ये स्वर समुदाय लिखे मिल जाए तो आप राग पहचान कर सही राग लिख पाएंगे। और आपको अगर उसे पूछा जाए अलाप तान लिखिए, आपको उसे पूछा जाए विस्तार लिखिए, आपको उसमें उसका अवादी समादी जाति पकड़ पूछा जाए, जो पूछा जाए वो लिखिए, उसके अलावा फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। काउंटिंग सही डालिए, यानी क्वेश्चनिंग जो नंबर है उसको सही डालिए, तभी जाके आपका एक राग का जो नंबर होता है वो सही लिखने से आपको पूरे नंबर दिला पाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नए राग के विषय में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।